नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। हम लोग भारतीय दर्शन पर चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में अभी हम चार्वाक दर्शन पर बातचीत को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं कि चार्वाक के चिंतन में किन किन तरह के तत्वों की बात हुई है, अर्थात चार्वाक की तत्व मीमांसा में कौन कौन से तत्व आते हैं। सामान्यतः एक सामान्य सी अवधारणा है, जैसे विचार होंगे वैसी दुनिया नजर आएगी। धीरे धीरे हमारा व्यवहार भी उसी तरह का हो जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो चार्वाक की जो ज्ञान मीमांसा है वो पूरी तरह से अभिव्यक्त करती है भौतिकवादी तत्व मीमांसा को। इस क्रम में हम लोग अगर पहले लेक्चर्स इसकी जो तत्व मीमांसा है उसको समझने के लिए हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर्स पर आते हैं। यद्यपि आपने अगर इसके पहले वाला व्याख्यान देखा हो, ना देखा हो तो एक बार उसको आप देख लेंगे। संक्षेप में तत्व मीमांसा को समझाने के लिए कि जो कुछ चार्वाक की जो तत्व मीमांसा है वो डिपेंड किस पे कर रही है कि प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। इन्होंने प्रत्यक्ष को ही प्रमाण माना, और प्रत्यक्ष किन चीजों का होता है? भौतिक चीजों का होता है। इसलिए भौतिकवाद की स्थापना चार्वाक के दर्शन के चिंतन के अंतर्गत होती है। दर्शन शास्त्र के अंतर्गत जब हम तत्वों की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है दर्शन शास्त्र विज्ञान से अलग है थोड़ा सा। इसके पहले एक इसी विश्वविद्यालय के ही YouTube चैनल पर प्रारंभिक लेक्चर है कि व्हाट इज फिलॉसफी, दर्शन क्या है। उसमें एक परिभाषा भी आती है, दृश्यते इति दर्शनम, जिसे देखा जाए, और इसके बाद आता है कि दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए। तो किसको द्वारा देखा जाए? तो दर्शन शास्त्र का जो हिंदी में शाब्दिक अर्थ आता है, किसी विषय के मूल स्वरूप या परम तत्व को जानना दर्शन कहलाता है। तो यहाँ पर हम जब तत्व की चर्चा करते हैं दर्शन शास्त्र के अंतर्गत, तो उस तत्व में मुख्यतः हमारे मूलभूत तत्व आते हैं जिसके आधार पर हम समग्र सत्ता की व्याख्या कर सके। तत्व का मतलब है सत्ता की व्याख्या करना। हम किस सत्ता की व्याख्या करेंगे? उसी सत्ता की व्याख्या करेंगे जो मूल सत्ता हो। समानता हमारे इस चिंतन में जगत, दूसरा है आत्मा, तीसरा ईश्वर, ये तीन मूल तत्व माने गए हैं। जो भी तत्व मीमांसा के अंतर्गत चर्चा होती है उसमें मूल तत्व के तौर पर माना गया है जगत को, जो हमारे जागृत जीवन में हमें अनुभूत होता है। दूसरा इस शरीर को, शरीर के मूल में क्या है? तो आत्मा विचार होता है। इस पूरे संसार के मूल में क्या है? तो उस पर ईश्वर विचार होता है। इस तरह जगत, आत्मा और ईश्वर, इन तीनों पर विचार किया जाता है। तो बहरहाल, तो इसके अंतर्गत हम लोग देख सकते हैं कि चार्वाक भी अपने भौतिकवादी चिंतन के अंतर्गत किस तरह से अपनी प्रत्यक्षवादी ज्ञान मीमांसा के आधार पर कौन कौन सी सत्ताओं को स्थापित करते हैं। यही हमारे इस लेक्चर का मूल विषय है। इसके अंतर्गत हम लोग यह जानेंगे कि चार्वाक दर्शन शास्त्र के अंतर्गत किन किन मूल तत्वों को स्वीकार कर रहे हैं और उनके स्वरूप की व्याख्या किस तरह कर रहे हैं। तो पहले तत्व के तौर पर अगर हम देखें तो वह जगत आता है। सामान्यतः भारतीय परंपरा में कहा जाता है छित जल पावक गगन समीरा, इन पांच तत्वों से मिलकर पूरी सृष्टि बनी हुई है। छिति समझिए, छिति मतलब धरती, छिति जल पानी, जल पावक अग्नि, गगन आकाश और समीर तो हवा। तो चार तत्वों के मिलने से पूरी सृष्टि का निर्माण माना जाता है। इसे हम लोग पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश कहते हैं। इन्हीं ये पांच तत्वों के मिलने से सृष्टि का निर्माण होता है। अब देखिए चार्वाक, और ये वेद उपनिषद की परंपरा में ये पांच तत्व माने जाते हैं।
अब चरवाक अपने ज्ञान मीमांसा में क्या कह रहे हैं, प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। तो कहते हैं पृथ्वी का अनुभव होता है, कि हम लोग चरवाक कहते हैं धरती पे चल रहे हैं, ये जो भी भौतिक तत्व इसका अनुभव हो रहा है। जल, जल का भी अनुभव होता है, प्रत्यक्ष होता है, तो नहाते हैं, प्यास बुझती है। अग्नि हमें उष्णता प्रदान कर इसका अनुभव होता है। वायु हमारे को स्पर्श करती है, आज बहुत ठंडी हवा है, गर्म हवा है, इसका, लेकिन वो कहते हैं आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता है। इसलिए ये मानते हैं कि चार तत्वों के आधार पर जगत को स्वीकार कर रहे हैं चरवाक, पहले तत्व जगत को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इस जगत को स्वीकार करने में वो पहली बात क्या कह रहे हैं कि मैं आकाश को नहीं मानूंगा। फार्मूला स्पष्ट है, मैं उसी को मानूंगा जो हमारे अनुभव में आएगा, इसका प्रत्यक्ष होगा। आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता है, मैं आकाश को नहीं मानता हूँ। पृथ्वी, जल और अग्नि और वायु को मानूंगा क्योंकि इनका प्रत्यक्ष होता है। तो ये अपने इस व्याख्या में चार तत्वों को मानते हैं। अभी सवाल ये पैदा होता है कि इस जगत की जब हम लोग व्याख्या करते हैं तो प्रश्न उठता है, अगर जगत है तो जगत को स्थापित कैसे हुआ, जगत बना कैसे। पहले की परंपरा ये होती है, समांतरता, ईश्वर है, ईश्वर ने जगत को बनाया है। जो अलग अलग जो भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, उपनिषदी परंपरा में चला तो ब्रह्म है, ब्रह्म से ईश्वर जगत आभास होता है, इस तरह की अलग अलग व्याख्याएं मिलती हैं। लेकिन चरवाक एक सामान्य अवधारणा खंडन करते हैं जिसमें ये कहा जाता है इस जगत का निर्माण ईश्वर ने किया है। तो कहते हैं ना, अब चरवाक इसको कहते हैं जो चार तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, यह अपने सुन का स्वभाव ही ऐसा है कि आपस में स्वतः संयुक्त होकर सृष्टि का निर्माण कर देते हैं। इस तरह चरवाक चिंतन करते हैं कि जगत का निर्माण चार तत्वों से हुआ है, चार तत्वों का स्वभाव ही ऐसा है कि आपस में मिलकर जगत का निर्माण करते हैं। इसका कोई प्रयोजन नहीं है, कोई ईश्वर है जिसने संसार को बनाया है, इस सृष्टि अंततः एक निश्चित लक्ष्य की ओर बढ़े, ऐसा कुछ नहीं है, वो स्वभाववाद कहते हैं। तो इन चार तत्वों का स्वभाव ही ऐसा है जिससे जगत का निर्माण होता है। चरवाक से पूछा गया कि भाई ये चार तत्व कैसे सृष्टि का निर्माण कर देंगे, चरवाक कहते हैं जैसे कत्था, चूना, तंबाकू मिलकर लाल रंग उत्पन्न करते हैं। जब आप पान खाते हो तो सुरमे लाल रंग नहीं होता, ये सभी तत्व तो आपस से मिलते हैं तो लाल रंग उत्पन्न कर देते हैं। उसी तरह यह जो संसार है वह इस चार तत्वों के आधार पर स्वतः निर्मित जाता है। और फिर कहते हैं इसे इनका स्वभाववाद कहा गया। स्वभाववाद मतलब कि यह चार तत्व तो आपस में मिलकर पूरी प्रक्रिया कर देते हैं, इसके लिए किसी प्रयोजन कारण ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। इसी सिद्धांत को स्वभाववाद कहा गया, क्योंकि इसका कोई प्रयोजन नहीं है इसलिए इनके सिद्धांत को यंत्रवाद भी कहा जाता है। यंत्रवाद कहते जैसे मशीन है, मशीन अपने कुछ निश्चित नियमों के आधार पर लगातार संचालित है, इसी तरह यह सृष्टि भी, यह जगत भी कुछ निश्चित नियमों से द्वारा संचालित है, यह किसी ईश्वर की इच्छा का परिणाम नहीं है, यह किसी का प्रयोजन नहीं है, इसे यंत्रवाद कहा जाता है। चरवाक का जो सिद्धांत है यंत्रवाद के मामले में आज के ये खगोलीय विज्ञान है उसके ज़्यादा निकट आ जाता है। और कहते हैं जिस तरह कहते हैं आकस्मिक संयोग से ये चार तत्व, जब ईश्वर नहीं है तो चार तत्व मिले कैसे, तो कहते हैं आकस्मिक संयोग, इन चार तत्वों का आकस्मिक संयोग हो जाता है, यह चार तत्व आपस में स्वतः मिल जाते हैं और स्वतः मिलकर सृष्टि का निर्माण कर देते हैं। इस तरह चरवाक अपने जगत संबंधी विचार में जगत को स्वीकार कर रहे हैं, पहली चीज चार तत्व को स्वीकार कर रहे हैं, आकाश को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और यही चार तत्व अपने स्वभाव के अनुसार मिलकर सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। यह सृष्टि किसी का प्रयोजन नहीं है, इसलिए यह सिद्धांत यंत्रवाद कहलाता है। और ये चार तत्व तो किसी एक निश्चित समय पर नहीं मिलते हैं, जैसे बिग बैंग विस्फोट जैसा अचानक होता है, तो आकस्मिक संयोग से इस सृष्टि का निर्माण होता है। इसलिए चरवाक अपनी तात्विक व्याख्या में जगत को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ा जो चैलेंज है भारतीय परंपरा में वो है आत्मा को स्वीकार करना, और जिस आत्मा को स्वीकार सब दार्शनिक संप्रदाय कर रहे हैं उस आत्मा के खंडन को चरवाक प्रस्तुत करते हैं। इसलिए कहा जाता है कभी कभी कि हम लोग जब फिलॉसफी में पढ़ते हैं तो चरवाक के लिए सबसे रुचिकर चैलेंज था आत्मा का खंडन करना। इवन जब हम बौद्ध दर्शन पढ़ेंगे
तो जब गौतम बुद्ध भी या बौद्ध दर्शन कहें, गौतम बुद्ध ना भी कहें, तो बौद्ध दार्शनिक परंपरा जो चली आई उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती आ गई आत्मा का खंडन करना। और उसमें हम लोग देखेंगे कि वह इतना दुष्कर कार्य हो गया फिलॉसफी के लिए, बौद्ध फिलॉसफी के लिए, कि बाद में निष्कर्ष के तौर पर दुख विशेषता आती है कि बौद्ध जो है गतिशील आत्मा का खंडन करते हैं, शाश्वत आत्मा खंडन करते हैं। तो इस तरह आत्मा, क्योंकि केंद्रीय विषय रहा है भारतीय परंपरा में, आत्मा के साथ हमेशा, यहाँ अगर हम संक्षेप में कहें तो आत्मा को जब भी स्वीकार किया जाता है आत्मा है, आत्मा के दो तत्व हैं, दो तत्वों के तौर पे कभी कभी स्वीकार करते हैं या दो तत्वों के आधार व्याख्या होती है। एक माना जाता है हमारे में शरीर है, तो आत्मा के बाद शरीर के साथ आता है कि शरीर एक तत्व है, शरीर साथ से इससे अलग एक आत्म तत्व की बात आती है। जब भी आत्म संबंधी चिंतन होता है शरीर और एक अंग्रेजी में कॉन्सियसनेस की बात आती है, कॉन्सियसनेस जो चेतना है हमारे भीतर, इसके साथ कभी भी चेतना को स्वीकार किया जाता है। तो आत्मा शरीर के साथ इसकी चर्चा होती है। आत्मा को ये माना गया है समानता यह शरीर से भिन्न चेतन तत्व स्वीकार किया जाता है। कभी कभी इसके पक्ष को स्वीकार करने वाले लोग मानते हैं कि आत्मा से, जैसे कि यह मेरा घर है, इसका मतलब मैं इस घर से अलग हूं, यह मेरा शरीर है, इसका मतलब मैं इस शरीर से अलग हूं। तो उसी तरह जब आत्मा, इसका मतलब मैं कौन हूं, यह मेरा शरीर है, इसका मतलब मैं और शरीर अलग अलग है, यह मेरी गाड़ी है, इसका मतलब मैं और गाड़ी अलग अलग है ना। ऐसा कि अगर आपको कहीं पर बाइक खड़ी रहे तो कोई कहे देखो वो अतुल मिश्रा सर खड़े हैं, ऐसा तो है नहीं, बाइक अलग है, अतुल मिश्रा अलग है। उसी तरह शरीर अलग है, आत्मा अलग है, यह मेरा शरीर है, इसका मतलब मैं इस शरीर से अलग हूँ। तो इससे सिद्ध होता है कि आत्मा शरीर से अलग है। भारतीय परंपरा में आत्मा को तर्क के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता, भारतीय परंपरा से उपनिषदी परंपरा में कहा जाता है आत्मा तर्क का विषय नहीं है। इसलिए यहाँ पर ऐसा नहीं कि आत्मा को तर्क द्वारा सिद्ध करने का यहाँ प्रयास चल रहा है, यहाँ सिर्फ ये बस बात को स्वीकार किया गया कि आत्मा इस शरीर से अलग एक तत्व है। जब व्यक्ति का देहांत होता है तो ये माना जाता है कि जो मूल तत्व था आत्म तत्व यहाँ से निकल गया है, जो बचा है वह बहुत जड़ है, भौतिक है, मिट्टी है, इसलिए उसको नष्ट कर दिया जाता है। इस तरह भारतीय वांग्मय में सामान्यतः आत्म तत्व को स्वीकार किया जाता है। और यह आत्म, जब भी आत्म तत्व को स्वीकार करते हैं तो ये मानते हैं ये शाश्वत है, यह इस शरीर से अलग है। तो शरीर के साथ इसके संबंधों की बात, शरीर से भिन्न इस चेतन तत्व को हम लोग स्वीकार करते हैं। अब यहीं पर चरवाक खंडन कर रहे हैं। अब इससे माना जाता है तो चेतना कहाँ से आती है, चेतना का अटूट संबंध आत्मा से स्वीकार किया गया है। अन्य दार्शनिक संप्रदाय इस बात के लिए मतभेद हो सकता है, जैसे गौतम बुद्ध आत्मा के बारे में कहते हैं पंच स्कंध, वो आत्मा को नहीं स्वीकार करते हैं और कहते हैं संघातवाद देते हैं कि आत्मा को एक तत्व नहीं, जब पांचों तत्व आपस में मिलते हैं तब जिसे हम आत्मा कहते हैं वो हमारे सामने आते, कोई शाश्वत तत्व नहीं है आत्मा, इसीलिए उनके चिंतन को अनाथवाद कह दिया जाता है। जो जैन फिलॉसफी है वो कहती है, वो आत्मा के बारे में जो चर्चा होती है तो वो बहुत सरल ढंग से आत्मा को चेतना के साथ उसके संबंध को स्वीकार करते हैं। वेदांत कहता है कि आत्मा ही चेतना है, चेतना ही आत्मा, विशेषकर शंकराचार्य के दर्शन में। रामानुज कहते हैं, धर्म बोध ज्ञान कहते हैं कि आत्मा और चेतना का क्या संबंध है, अर्थात सब लोग स्वीकार, जो भी आत्मा को मान रहा है चेतना को मानता है, अंतर थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है चेतना और आत्मा के संबंध को लेकर, फिर भी शरीर से अलग एक चेतन तत्व को स्वीकार किया जाता है। चरवाक यहाँ पर आत्मा का नहीं मान रहे,
वो कहते अपने फार्मूला उनका स्पष्ट है, किसको मानेंगे? प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानेंगे। प्रत्यक्ष किसका होता है? शरीर का होता है। प्रत्यक्ष आत्मा को नहीं होता है, इसलिए हम आत्मा को नहीं मानते हैं। चरवाक का ये प्रथम तर्क यही है कि वो प्रत्यक्ष के आधार पर आत्मा का खंडन करते हैं। अब उसके साथ साथ तो फिर आत्मा क्या है? सवाल ये होता है, जब आप प्रत्यक्ष शरीर का होता तो फिर आत्मा को किसे माने? तो कहते हैं कि जो चेतना से माना जा रहा है, क्योंकि चेतना संबंध आत्मा के साथ माना गया है। अगर आप आत्मा को नहीं मानते तो फिर चेतना कहां से आई? तो चरवाहा कहते हैं अगर चेतना है तो उसकी व्याख्या शरीर आधारित ही हो सकती है। जो आत्मा है उसकी जो सत्ता है वह अलग से नहीं है। अगर चेतना है तो शरीर आधारित है। जब भी हम चेतना का अनुभव कहाँ करते हैं? हम चेतना का अनुभव हमेशा शरीर के साथ करते हैं। शरीर है तो चेतना है, शरीर के आने के बाद ही चेतना उत्पन्न होती है। कभी ऐसा नहीं देखा गया है कि बिना शरीर के कहीं आत्मा दिखाई दे या चेतना का हम महसूस कर सकें। इसलिए चेतना की जो व्याख्या है वह भी शरीर आधारित है। इसलिए इन्हें इनके सिद्धांत को कहा जाता है देहात्मवाद। इसी देह को आत्मा समझिए, देहात्मवाद। ये शरीर ही आत्मा है, इस शरीर से अलग कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जिसे कि आप आत्मा कहलाते हैं या आत्मा कहते हैं। क्योंकि भारतीय परंपरा में अक्सर ये होता है कि भाई आत्मा को आप नहीं मानेंगे, लेकिन आध्यात्मिक परंपरा है तो आत्मा को परिभाषित करना पड़ेगा। तो वो शरीर से अलग चेतन तत्व को नहीं मान रहे हैं, तो कहते हैं अगर आत्मा बहुत मानना ही है तो उस देह को ही आत्मा समझना चाहिए। इसे ही सिद्धांत को, उनके सिद्धांत को देहात्वाद कहा जाता है। और पुनः जैसे इसके पहले वाले तर्क में जो दार्शनिक आत्मा को सिद्ध करते हैं कि यह मेरा शरीर है, इसका मतलब मैं इस शरीर से अलग हूँ, उसी का खंडन एक और ढंग से करते हैं चरवाक। वो कहते हैं कि जब आप कहते हो कि मैं लंबा हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, तो ये जो मैं शब्द शरीर के लिए ना, आत्मा तो लंबी है गोरी नहीं है, तो कहते हैं मैं लंबा हूं तो कौन लंबा है? शरीर लंबा है। मैं काला या गोरा हूं तो कौन काला गोरा है? शरीर है। इसलिए वो भाषिक प्रयोग है, भाषाई प्रयोग के आधार पर आप आत्मा को शरीर से अलग तत्व सिद्ध नहीं कर सकते हो। इस तरह चरवाक आत्मा का खंडन करते हैं और चेतना की व्याख्या शरीर के आधार पर ही करने के पक्ष में वो रहते हैं। अब वो कहते हैं, तो फिर कहते हैं भाई फिर जब शुरू शरीर तो भौतिक है, तो भौतिक शरीर में फिर चेतना कैसे आ जाती? उन्होंने कहा सरल सा तरीका ये है कि भौतिक तत्व आपस में मिलकर चेतना उत्पन्न करते हैं। और बहुत रुचिकर ढंग से वो कहते हैं कि जैसे हमारे जैसे मदिरा है, मतलब जो लोग मदिरा पान करते हैं बड़े मजाक में कहते हैं कि भाई हम तो फल का जूस पी रहे हैं, जौ का पानी पी रहे हैं, तो जिस तरह चरवाहे कहते हैं कि फल के रस में मादकता नहीं होती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें स्वतः मादकता उत्पन्न हो जाती है, उसी तरह शुरू में भौतिक शरीर में चेतना नहीं होती है, समय के साथ उसमें चेतना उत्पन्न हो जाती है। इस तरह चरवाक चेतना को शरीर से जोड़ते हुए शरीर से अलग आत्म तत्व का खंडन करते हैं। अब आप चरवाक ने एक तो जगत का खंडन कर दिया और दूसरा वह जगत का उन्होंने खंडन, जगत की व्याख्या क्रम में उन्होंने सिद्ध किया कि आकाश को छोड़ दिया जाए तो चार तत्वों के आधार पर चिंतन होता है, और अपने स्वभाववाद के आधार पर जगत को सिद्ध किया। आत्मा को अस्वीकार करते हुए उन्होंने चेतना की व्याख्या शरीर आधारित किया। इस तरह उन्होंने भौतिकवाद की स्थापना की और भौतिक तत्वों को स्वीकार कर लिया। अब एक समस्या बची रह जाती है, भौतिकवाद तब तक स्थापित नहीं हो सकता है जब तक कि ईश्वर का खंडन ना हो। चरवाक ईश्वर के लिए सामान्यतः सरल ढंग से दो तरह के तर्क देते हैं।
चरवाक कहते हैं ईश्वर को दो तरीके से मानते, एक तो जगत निर्माता, जो भी भगवान को मानता है वो इस बात को मानता है कि भगवान ने संसार को बनाया है। दूसरा जो भी मानता है वो कहता है कर्म फलदाता, है ना, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, गीता का ज्ञान। तो इस तरह के बहुत सारे, भगवान को क्यों मानते हो, 100% लोग कहेंगे जो भी भगवान को मानता है वो कहेगा कि भगवान ने पूरा जगत, जगत में हम सब आ गए, हम सबको किसने बनाया है, ऊपर वाले ने बनाया है। और दूसरा कर्म फल, हमारे जो भी अच्छे कर्म हैं बुरे कर्म हैं उसका फल देने वाला कोई ना होना चाहिए, अगर ईश्वर नहीं होगा तो कर्मों का फल कौन देगा। तो कर्म फलदाता के तौर पर भी ईश्वर को स्वीकार करने की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ चरवाक खंडन कर रहे हैं, चरवाक कह रहे हैं जैसे इसके पहले होता कि जगत का निर्माता ईश्वर नहीं है, चार तत्व हैं, चार तत्व आपस में मिलते हैं, आपस में मिलकर जगत का निर्माण करते हैं, और यह यंत्रवाद को उन्होंने सिद्ध किया था, इनका स्वभाव है आपस में मिलना, इसमें ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं। और पुनः चरवाक ये भी कहते हैं ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होता है, हम मानेंगे उसी को जिसका प्रत्यक्ष होगा, चूंकि ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है इसलिए हम ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे। तो यह ईश्वर खंडन करने का ये दूसरा था, पहली बात तो प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होता है इसलिए ईश्वर को नहीं मानेंगे। ईश्वर को जो भी माना जाता है अनुमान के आधार में माना जाता है, हर चीज को बनाने वाला कोई ना कोई, संसार को बनाने वाला कोई ना कोई होगा, तो वो ईश्वर। और अनुमान को चरवाक पहले ही खंडित कर चुके हैं। दूसरा फिर जगत बन कैसे रहा है, चार तत्व उनका स्वभाव है आपस में मिलकर जगत का निर्माण करना, उसमें ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। रहा कर्म फलदाता, तो चरवाक कहते हैं कर्म अपना स्वयं फल दे देंगे, इसमें ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं, स्वयं फल देंगे इसमें ईश्वर की आवश्यकता नहीं। और वैसे भी चरवाक दर्शन हम लोग उनकी इथिक्स निशास पढ़ेंगे, पाप पुण्य पर चरवाक विश्वास नहीं करते, समृद्ध मतलब कि कोई पुण्य मिलेगा ईश्वर पुण्य देगा, पहली बात तो है ही नहीं पूरा, दूसरा अगर कहीं है भी तो उसमें ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है। इस तरह चरवाक अपने तर्कों के द्वारा ईश्वर की सत्ता का खंडन करते हैं। और इसी तरह के तर्क वेस्टर्न फिलॉसफी में जब हम लोग आप धर्म दर्शन में पढ़ते हैं या डेविड ह्यूम को पढ़ते हैं तो अलग अलग तर्कों में ईश्वर का खंडन किया गया है। तो चरवाक की जो तत्व मीमांसा है उसमें जगत को स्वीकार किया गया, शरीर को स्वीकार किया गया, ये दोनों ही भौतिक तत्व हैं उनको स्वीकार कर रहे हैं, अभौतिक तत्व आत्मा और ईश्वर का खंडन किया गया। इस तरह चरवाक अपनी तत्व मीमांसा को स्थापित करते हैं। जैसा कि सामान्यता है, क्या चरवाक के तर्क सही हैं, क्या चरवाक अपने प्रश्नों का पूरी तरह से जवाब दे पाए जिन प्रश्नों को सामान्य जन उठाते रहे हैं। इसी दृष्टिकोण से अब हम लोग देखते हैं कि चरवाक दर्शन में कहाँ कमी रह गई, इसकी समीक्षा करेंगे। और फिर और समीक्षा हमेशा क्या है, विषय के स्पष्टीकरण के लिए समीक्षा होती है। अक्सर जब हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं तो जब तर्क देते हैं तो बच्चे बहुत सारे सवाल करते रहते हैं, और जैसे ही आलोचना करते हैं तो बच्चे कहते हैं हाँ सर अब दिमाग को शांत हुआ, क्योंकि हमें भी लग रहा था कि सामने वाला जो दार्शनिक तर्क दे रहा है वो पूरी तरह से सही नहीं है। यही हम लोग चरवाक में भी करते हैं इसी क्रम में। और हाँ परीक्षा में क्योंकि जो जिन दार्शनिकों को हम लोग पढ़ रहे हैं उनके पास ज्ञान बेहतर था, उनके तर्क बहुत ताकतवर थे, इसीलिए उनको सिलेबस में शामिल किया गया है। समीक्षा का हिस्सा हमेशा बहुत थोड़ा होता है, प्रश्न को समझने की जितनी समीक्षा की आवश्यकता पड़ती है उतनी ही हमें परीक्षा में लिखना चाहिए। और इस लेक्चर में भी हम लोग उसी सीमित रूप में यहाँ चरवाक की समीक्षा को देखेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग जगत की व्याख्या करते हैं तो क्या इतना कहने से ही काम नहीं बनेगा कि चारों तत्व तो आपस में मिलते हैं जगत का निर्माण करते हैं, अकस्मात ये जगत संसार निर्माण क्यों होता है,
चार तत्व अगर हम लोग समीक्षा में देखें, समीक्षा भी इसका मुख्यतः तीन दृष्टिकोण से होती है। पहले जगत की है, तो जगत है, ये चारों तत्व आपस में क्यों मिलते हैं इसका जवाब नहीं मिल पाया, क्योंकि जब आप किसी का खंडन करते हैं तो आपको उसके तर्क की अपेक्षा रहती है। चरवाक अपने खंड अपने पक्ष रखने समय में सामान्य तर्कों का इस्तेमाल कर रहा है, सामान्य तर्कों से आप पूरे जटिल जगत की व्याख्या नहीं कर सकते। जो दार्शनिक जगत का निर्माण की व्याख्या करते हैं, जैसे अगर हम लोग सांग दर्शन देखेंगे तो वो 25 तत्वों के आधार पर व्याख्या कर रहे हैं, प्रकृति से कैसे पूरे अलग अलग तत्व निकले, सत्व तमरज गुणों की बात कर रहे हैं, पंचीकरण का सिद्धांत मिलता है। न्याय दर्शन में भी जगत की व्याख्या परमाणुवाद के आधार पर होती है, वेदांत में भी ब्रह्म के आधार पर शंकर रामानुज अलग अलग व्याख्या करते हैं, लेकिन चरवाक ऐसा कोई भी दार्शनिक तर्क नहीं देते हैं। जगत के खंडन तो कर देते हैं लेकिन अपने पक्ष में कोई प्रबल तर्क वो नहीं दे पाते हैं। इसके साथ साथ लोग कहते थे कि उनका तर्क जो सामान्य तर्क है कि कत्था पान तंबाकू आपस में मिलकर जैसे लाल रंग पैदा करते हैं, उसी तरह चार तत्व मिलकर जो है जगत का निर्माण करते हैं, तो आलोचक ये कहते हैं कि अरे भाई चार हैं अपने आप नहीं है, चबाने वाला कौन है? अपने आप लाल रंग नहीं निकलता है, जब उसको चबाया जाता है तब लाल रंग निकलता है। इसलिए ये जगत का जो खंडन है विशेषकर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, उसके लिए वो कोई प्रबल तर्क नहीं दे पाते हैं। जगत की एक स्थूल व्याख्या करके वो भौतिकवाद को स्थापित करते हैं। दूसरी आता है आत्मा। आत्मा को उन्होंने शरीर केंद्रित किया कि आत्मा का आधार चेतना है, चेतना है, और वो चेतना जो है वो शरीर आधारित है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब चेतना का संबंध शरीर से है तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि शरीर तो होता है पर चेतना नहीं होती। जब आप कह रहे हो कि चेतना का संबंध कॉन्शियसनेस का संबंध जो है वो शरीर से है, शरीर आधारित है, तो मृत अवस्था में व्यक्ति का शरीर तो होता है लेकिन चेतना नहीं होती है। और जब ये कहा जाता है मैं मोटा हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं पतला हूँ, तो ये सिर्फ उसके घनिष्ठ संबंध को बताता है शरीर के साथ, लेकिन ये नहीं सिद्ध कर सकता, ये सिद्ध नहीं कर पाता है कि आत्मा है कि नहीं है, या फिर आत्मा का खंडन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अर्थात आत्मा के खंडन के लिए जो तर्क चरवाक देना चाह रहे हैं वो पूरी तरह से तार्किक नहीं हो पाता। और वैसे भी भारतीय परंपरा में माना जाता है आत्मा को ना तो तर्क से सिद्ध हो सकते हैं ना तो असिद्ध हो सकता है, इसलिए चरवाक द्वारा आत्मा का खंडन करना भी समुचित तर्क नहीं प्रस्तुत कर पाता है। इसलिए आलोचक ये मान लेते हैं, समीक्षात्मक ये मान लेते हैं कि भाई ये आत्मा की जो सिद्धि असिद्धि इस तर्क से परे है। अगर आप आत्मा को असिद्ध भी कर रहे हो तो वह एक अपूर्णता का सूचक हो सकता है। और फिर फाइनल ईश्वर का खंडन भी अनुमान ही है। एक तरह से जब आप चरवाक ईश्वर का खंडन कर रहे हैं तो प्रकारांतर में वो प्रत्यक्ष का अतिक्रमण कर रहे हैं, इसलिए मात्र प्रत्यक्ष के आधार पर आप ईश्वर का खंडन करने की स्थिति में नहीं आ सकते। भारतीय परंपरा में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो वैसे पूरे भारतीय परंपरा ना भी कहें तो पूरे फिलॉसफी में, वेस्टर्न फिलॉसफी में इस बात को उल्लेख मिलता है। ये होता है कोटिगत दोष, कैटेगरिकल मिस्टेक, कोटिगत दोष। इसका अर्थ ये हुआ कि आत्मा और ईश्वर ये प्रत्यक्ष सीमा के बाहर है, तो प्रत्यक्ष के आधार पर अप्रत्यक्ष या अभौतिक तत्वों को खंडित करना यह कोटिगत दोष के अंतर्गत आता है। तो बहरहाल चरवाक जिन तर्कों के माध्यम से भौतिकवाद को स्थापित करते हैं और ईश्वर और आत्मा जैसी सत्ताओं का खंडन करते हैं वो पूरी तरह से सफल नहीं रहा। बाद के जो फिलोसफर्स आए उन्होंने अपने चिंतन में चरवाक को पूर्व पक्ष के, चरवाक के तर्कों को पूर्व पक्ष के रूप में
उसका व्यवस्थित तरीके से उनका खंडन किया है। लेकिन कोई बात नहीं, चरवाक भले आत्मा या ईश्वर जैसी शाश्वत सत्ताओं का खंडन तार्किक रूप नहीं कर पाए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इन सत्ताओं, आध्यात्मिक सत्ताओं पर प्रश्न उठाए, तार्किक बहस का विषय बनाया, वो भारतीय परंपरा के लिए सुखद ही रहा। क्यों? क्योंकि चरवाक के इन प्रश्नों के बाद आने वाले दार्शनिकों के लिए अनिवार्य हो गया कि अगर वो ईश्वर को मान रहे हैं, ईश्वर जिसको कि आस्था का विषय मान लिया गया, तर्क से परे मान लिया गया, और आत्मा जिसको ये कहा जा रहा था कि ये तर्क से सिद्ध नहीं हो सकते हैं, उनके लिए भी उन्हें तर्क देना पड़ा। इसलिए भले ही चरवाक के तर्क पूरी तरह से दार्शनिक प्रणाली के अनुरूप ना हो, फिर भी चरवाक ने जिस भौतिकवाद को स्थापित किया, जिन भौतिक तत्वों को उसने स्वीकार किया, उसने भारतीय दर्शन को बहुआयामी बनाने में मदद की। या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चरवाक का योगदान इतना तो है ही है कि उसने एक जो एक आध्यात्मिक परंपरा चली आ रही थी भारतीय दर्शन में, उस पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए भारतीय दर्शन को एक भौतिकवादी नए आयाम की ओर अग्रसर किया। अब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि उसकी ज्ञान मीमांसा, चरवाक की जो ज्ञान मीमांसा है प्रत्यक्षवादी है, और उसके आधार पर इस भौतिकवाद की स्थापना होती है, इसके आधार, दोनों के आधार पर वो आचरण के विषय में चरवाक क्या कहते हैं, अर्थात चरवाक दर्शन का नीति शास्त्र किस तरह हमारे सामने आता है, इसे हम लोग अगले व्याख्यान में देखते हैं। धन्यवाद।